मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वीडियो कॉन्फ्रेंस। आपको बता दें कि सीएमआर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भी वीडियो कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पर कहा कि राजस्थान में 16 से 18 दिन में आंकड़े दोगुने हो रहे हैं। यहाँ पर आप सभी की कोशिशें रंग लाई है, सभी वर्ग के लोगों ने अच्छा कार्य किया है और सभी को साथ लेकर हम आगे बढ़े। जैसे भी और जो भी हालात हो, हम मुकाबला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और हमारी जिम्मेदारी अब गांव को बचाने की है। जी हां, उन्होंने कहा कि बाहर से आए लोगों के कारण गांव में यहां पर कोरोना का संक्रमण बढ़ा है। एकांतवास पर ज्यादा जोर देने की अब आवश्यकता है और जनता को ये समझना पड़ेगा कि कोई केस सामने आता है तो घबराए नहीं। एकांतवास वाले कार्य में आप सभी का सहयोग है और आप हमारा ध्यान आर्थिक गतिविधियों की ओर अब जाना चाहिए। आर्थिक गतिविधियां शुरू होने से राजस्व में भी वृद्धि होगी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जब तक सरकार पैरों पर खड़ी नहीं होगी तब तक लंबे समय तक टिके रहने में मुश्किलें आ सकती हैं। सब जगह मैं समझता हूँ ऐसी स्थिति में बहुत है कि पूरे देश के अंदर राजस्थान स्वास्थ्य सेवाओं के और इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग मजबूत बन जाएं, क्योंकि कोरोना को लेकर ना प्रधानमंत्री जी ना हम लोग कोई भी इस स्थिति में कहने की पता नहीं किस दिशा में कोरोना जाएगा, कब तक चलेगा और रुकेगा तो वापस आ जाएगा, ये तमाम खबरें आप लोग पढ़ते होंगे, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। तो राजस्थान आप सबके सहयोग से हम चाहते हैं ऐसी स्थिति में आ जाए जिससे भी चाहे कैसी भी स्थिति बने हम उसका मुकाबला करने में अग्रणी रहें, ये हमारा सपना सबका होना चाहिए। ये काम अपन लोग बहुत ही बेखूबी करना चाहते हैं, उसमें हमें आज तक कामयाबी मिली है, इस बात की मुझे खुशी भी है। और राजस्थान में जो है ये भी एक खुशी की बात है कि राष्ट्रीय स्तर से हम देखें तो आपके जो सैंपल भी हमने लिए हैं 1,75,000 सैंपल हो गए और इसी प्रकार से जो अप्रोच है मरीजों के जो मृत्यु दर है वो राजस्थान में 2.9% है जबकि देश के अंदर 3। चलिए इसी खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार नीरज मेहरा जी मेरे साथ में इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज जी, तीसरे दिन में दूसरी बार यहां पर मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जारी है, तमाम उन मुद्दों पर सभी सर्वदलीय लोगों को बुलाकर यहां पर अपनी अपनी बात रखी, क्या मुख्य बिंदु रहे इसमें? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज फिर विधायकों और सांसदों से बातचीत कर रहे हैं और इस तमाम बातचीत के माध्यम से वो विधायक और सांसदों की सुझाव भी ले रहे हैं ताकि जिससे कि कोरोना के तहत उन इलाकों में उस तरह के कामों को अंजाम दिया जा सके जिससे किसी की शिकायत भी नहीं रहे। तमाम तरह के लोगों ने, चाहे बीजेपी के विधायक हो चाहे सांसद हो, सब लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है और इस मुख्यमंत्री की पहल के लिए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं भी दी है। तमाम लोग खुश है कि उनकी बात सुन रहे हैं, राज्य के मुखिया, उनसे बातचीत की जा रही है कि उनको किस तरह की परेशानी आ रही है और उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए ही मुख्यमंत्री जी वार्ता कर रहे हैं और लगातार पिछली बार जैसे 11 घंटे तक लगातार उन्होंने लोगों से संवाद किया, विधायकों से संवाद किया, आज फिर वो जयपुर के विधायकों से बात कर रहे हैं, सिक्कर के विधायकों से बात कर रहे हैं, सांसदों से बात कर रहे हैं, दौसा के सांसद और विधायकों से बात करेंगे। तो उनका इसके पीछे मकसद एक ही है कि जो लॉकडाउन 3 चल रहा है वो पूरा होने वाला है, लॉकडाउन 4 की संभावनाएं चल रही है, उस दौरान किस तरह से उनके इलाकों में विधायकों को क्या परेशानी आ रही है, सांसदों को क्या परेशानी आ रही है और राजस्थान सरकार उनके साथ मिलकर किस तरह के प्रयास करे जिससे वहाँ के लोगों को राहत मिल सके, संबल मिल सके, कहीं योजनाओं की क्रियान्विति नहीं हो रही हो तो उस क्रियान्विति को लागू किया जाए, उन कहीं और परेशानी आ रही है तो उस परेशानी को दूर किया जाए, कहीं पे प्रशासनिक अधिकारी यदि जनप्रतिनिधियों की अनदेखी कर रहे हैं तो उसको सुधारा जाए, कहीं प्रशासनिक अधिकारी जो जनप्रतिनिधि है उनकी बात नहीं मान रही है तो उनको पाबंद किया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। क्योंकि इस समय उन्होंने कहा कि ये कोरोना जो वायरस है न जात देखता है, न धर्म देखता है, न कोई और देखता है, मजहब देखता है, ऐसे में तमाम लोगों को बचाना, जिंदगी बचाना और जीविका बचाना, जीवन बचाना और जीविका बचाना, ये हमारा मकसद है और इसी मकसद को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तमाम विधायकों सांसदों
उनसे वार्ता कर रहे हैं, वीसी के माध्यम से उनके सुझाव ले रहे हैं, उन सुझावों को नोट भी किया जा रहा है और उन सुझावों पर काम भी करने का भरोसा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिला रहे हैं। जी जी, तमाम बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया नीरज जी।